हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पति पत्नी के झगड़े का कारण 3C मिस्टेक्स। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप एक ऐसे कपल हैं जो अपने रिश्ते को हमेशा हेल्दी और वेल्दी बनाकर रखना चाहते हैं, हमेशा एक दूसरे के जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं, हमेशा अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि लोग आपके रिश्ते की एग्जाम्पल दें, जिसके लिए आप भरपूर कोशिश भी करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता कमजोर हो जाता है, आप दोनों के बीच में दूरी आ जाती है, आप दोनों परेशान हो जाते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारा रिश्ता इतना कमजोर होता जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ है और आपको भी नहीं पता है कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता कमजोर हो जाता है, तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपके साथ 3C मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अगर आपने समझ लिया और साथ ही साथ अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आप दोनों का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें अक्सर पति पत्नी जो 3 मिस्टेक्स करते हैं उसमें पहली मिस्टेक होती है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो दोनों एक दूसरे की बात को सुनना ही बंद कर देते हैं, हमेशा एक दूसरे की सिर्फ जरूरतों को पूरा करते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। अगर एक व्यक्ति शिकायत करता है तो दूसरा व्यक्ति उस शिकायत को सुनकर या तो झगड़ा करता है या तो फिर सिचुएशन से भाग जाता है, जिसे हम कहते हैं कि या तो इंसान फाइट करता है या तो फिर फ्लाइट करता है, यानी वो दोनों सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, दोनों के बीच में साइलेंस आ जाता है। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट जब दोनों एक दूसरे को देना शुरू कर देते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, झगड़े के बाद दोनों बातचीत करना बंद कर देते हैं। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते 1 घंटे तक, कुछ कपल 1 दिन तक बात नहीं करते, कुछ कपल 1 हफ्ते तक, और कुछ कपल ऐसे होते हैं जो 1 महीने तक बात नहीं करते, और वहीं पर कुछ ऐसे कपल भी होते हैं जो पूरी जिंदगी ही साइलेंस को अपना लेते हैं, यानी उन दोनों के बीच में साइलेंट डाइवोर्स हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते, सिर्फ एक घर में रह रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए, दुनिया वालों के लिए, अपने परिवारों के लिए, लेकिन उन दोनों के बीच में इंटीमेसी खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, रिश्ता कमजोर हो जाता है। ऐसे ही एक कपल थे, कपल ने शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनके बच्चे हुए तो दोनों की प्रायोरिटी थोड़ी थोड़ी बदल गई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से कम बातचीत करने लगे। अब पत्नी कई बार पति से शिकायत करती और कहती कि तुम मेरी बात को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनते, मैं अगर तुम्हें कोई बात कहती हूँ तो तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। वो कई बार रोने भी लगती, लेकिन पति हमेशा यही सोचता कि ये अपने आंसुओं से मुझे अपनी तरफ खींचना चाहती है, मुझे डराना चाहती है, और कहीं ना कहीं वो अपने ईगो के वश में उसके इमोशन को समझ नहीं पाता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और पत्नी ने भी उसे कहना बंद कर दिया। अब पत्नी अपना पूरा समय अपने बच्चों के साथ बिताने लगी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और वो अपनी माँ के साथ लगातार अटैच होते चले गए और अपने पिता से वो भी कट
करते रहे, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आया कि माँ तो अपने बच्चों के साथ अटैच हो गई लेकिन पिता अकेले रह गए। उस समय उसे समझ में आया कि मैंने अपनी पत्नी को तृप्त नहीं किया, आज वही तृप्ति की जरूरत मुझे है। उस समय मैंने उसको सहारा नहीं दिया, उसकी बात को नहीं सुना, उसके साथ बातचीत नहीं की, आज मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, अकेलापन गृहस्थी के जीवन में सबसे बड़ी बीमारी होती है, इसलिए अपनी इस बीमारी को कभी भी बढ़ने नहीं देना है। अगर दोनों पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप दोनों को एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है, बल्कि एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। खुली बातचीत द्वारा गृहस्थी में हर समस्या का समाधान हो जाता है, इसलिए इस गलती को कभी भी आपको नहीं दोहराना है। इसमें सेकेंड सी मिस्टेक होती है कॉन्फ्लिक्ट मिसमैनेजमेंट। दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, झगड़े के बाद उन्हें समझ ही नहीं आता है कि अब इस झगड़े को कैसे निपटाया जाए। दोनों के बीच में गैप आ जाता है और इस गैप का फायदा उठाता है कोई तीसरा व्यक्ति। ये तीसरा व्यक्ति आपकी सास हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या तो कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ये सिर्फ इसीलिए होता है जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं, हमेशा एक दूसरे की भावनाओं को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, सिचुएशन से भागना शुरू कर देते हैं, और ऐसे समय में कोई भी तीसरा व्यक्ति जो उनकी मन की बात को सुन लेता है, उनके साथ व्यक्ति अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर देता है, उसके साथ ही वो अटैच होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं। इसलिए अपने रिश्ते को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो कभी भी अपने कॉन्फ्लिक्ट को मिसमैनेज नहीं करना है। जैसे ही आप दोनों के बीच में किसी भी बात के लिए झगड़ा हो, तुरंत से उसे निपटाना है। एक दूसरे के साथ आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, बल्कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना है, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है और अपने झगड़े को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा देना है। इसमें थर्ड सी मिस्टेक होती है कॉम्प्लीसेंसी, यानी दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे को फार ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, अपनी वॉल्यूम को हाई कर लेते हैं, और जिसकी वॉल्यूम हाई होती है दूसरा व्यक्ति चुप हो जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी भी ये नहीं करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हम किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति से अपने रिश्ते को मजबूत करना सीख लें जिन्हें ये स्किल आती है। यानी वो कोई भी काउंसलर या तो फिर कोच को हायर नहीं करते जो उनके रिश्ते को मजबूत करवा सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को निग्लेक्ट करते रहते हैं, ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, या तो फिर वो ऐसे लोगों से अपनी राय लेते हैं जिनका खुद का रिश्ता ही पता नहीं, डाइवोर्स की सिचुएशन में पहुंचा हुआ होता है, या तो फिर साइलेंट डाइवोर्स हो रखा होता है, या तो फिर उनका रिश्ता भी इसी तरह चल रहा होता है। वो कभी भी अपने रिश्ते को मेंटेन करने के लिए कहीं पर भी कोई स्किल सीखते नहीं है कि कैसे रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। ये भी उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। वो हमेशा खुद ही अपने रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि अगर हमारे बीच में हमारा रिश्ता कमजोर हो रहा है तो जैसे ही हमारे बच्चे होंगे हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, और इसी उम्मीद के सहारे वो अपनी पूरी लाइफ इसी तरह बिता देते हैं। लेकिन कभी भी वो सीखते नहीं है कि कैसे रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। उनके अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं होती है और वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे हम रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे सीखा नहीं जा सकता है। हम इस दुनिया में आते हैं, इसी दुनिया में आकर हम नई नई चीजें सीखते हैं, अप्लाई करते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। ऐसे ही आपको भी अपने पति पत्नी के रिश्ते को कैसे मजबूत बनाना है इसके बारे में सीखना चाहिए।
दोस्तों आपको ये तीनों मिस्टेक नहीं करनी है अगर आप पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि कौन सी ऐसी तीन मिस्टेक हैं जिसकी वजह से पति पत्नी का रिश्ता कमजोर हो जाता है, जिसमें सबसे पहली मिस्टेक आती है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का हो जाना, सेकंड आती है कॉन्फ्लिक्ट मिसमैनेजमेंट हो जाना, थर्ड आती है हमेशा कॉम्प्लिसेंसी यानी इग्नोर करना। अगर आप ये तीनों गलतियां नहीं करते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और हमेशा अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाता है और आप दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश होते हैं। फ्रेंड्स ये तो थी तीन मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए कहीं पर आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम काउंसलिंग के दौरान आपको वो सारी बातें समझाते हैं कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को फिर से तरोताजा कर सकते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, एक दूसरे के लव टैंक को फिल करते हुए, खुद को सपोर्ट करते हुए कैसे अपने आप को ग्रोथ के रास्ते पर ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक सिखाएंगे जिससे आप पति पत्नी का रिश्ता एकदम से मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करना ताकि लोग आपको दुआएं दें और वो भी अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आप अपने जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करें।